एक वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी की लगभग 100 मार लगती है। हां, अंतिम प्रहार उसे अवश्य गिरा देता है। तो क्या पहला प्रहार निष्फल हो गया? नहीं, पहले प्रहार ने चिन्ह बनाया और दूसरे प्रहार ने उसे और गहरा कर दिया, और इसी प्रकार हर प्रहार उस वृक्ष के तने को इतना दुर्बल बना देता है कि अंतिम प्रहार वृक्ष को धराशायी कर जाए। इसलिए यदि आपका पहला प्रहार असफल हो जाए तो स्वयं को असफल मत समझो, प्रहार करते जाओ, अर्थात सफलता के लिए फल की कामना ना कर। हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। स्वर्ण को भी कुंदन बनने के लिए ताप सहना होता है, हीरे को भी चमक पाने के लिए सांप पर स्वयं को घिसना पड़ता है। इसीलिए यदि सफलता की चमक चाहिए तो परिश्रम करना पड़ेगा और कठिनाइयों का ताप सहना होगा। हम जब वृक्ष का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक सुंदर विराट, शीतल छाया देने वाला, मीठे फल देने वाले वृक्ष का चित्र आ जाता है ना? अब तनिक कल्पना कीजिए, यदि वो वृक्ष ना हो, यदि उसकी जड़ें ना, तो क्या आपको उसकी ठंडी शीतल छाया का आराम सुख मिलेगा? क्या आपको उसके मीठे फल मिलेंगे? नहीं। अर्थात वास्तविकता वृक्ष के अस्तित्व में, ना कि उसकी छाया, ना उसके मीठे फलों में। एक मनुष्य अपने जीवन में सदा मान सम्मान, सुख और संतोष चाहता है, परंतु एक वृक्ष की भांति उसका चरित्र, उसका अस्तित्व होता है। वो चरित्र जड़ होती है जिससे उसकी शाखाएं फूटती और उसे मान सम्मान के मीठे फल मिलते हैं, सुख की छाया मिलती है।